नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई है उसके बारे में, और कल भी मार्केट में गिरावट संभव है क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है काफी निगेटिव है। सारे के सारे जो ग्लोबल इंडेक्स है लगभग निगेटिव में चल रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं निफ्टी 50 में कितना का गिरावट है, 2.21% का, और जो हमारा सेंसेक्स है उसमें 2% का गिरावट, वहीं हमारा निफ्टी बैंक में 3% का गिरावट, और इंडिया विक्स देख सकते हैं काफ़ी हाई हो चुका है, 10% हाई हो चुका है इंडिया विक्स। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रहा है ग्लोबल इंडेक्स में। तो सबसे पहले यहाँ डाउ जोन्स देख लीजिए 2.78%, और यहाँ पर नेस्डेक देख लीजिए 1.23%, और वह उसी तरह से हम यहाँ पर चलते हैं बोस्पा, यहाँ देखते हैं ब्राज़ील बोस्पा 1.51%, फिर यहाँ पर देख लीजिए डेक्स 4.37%, और यहाँ पर देख लीजिए FTSE ये भी 3.38% निगेटिव में। आप सारे के सारे यहाँ पर देख लीजिए अप्रोक्स सारे के सारे जो ग्लोबल इंडेक्स है वो सारे के सारे निगेटिव में चल रहे हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए मोइक्स जो हमारा रशिया का है मोइक्स, ये भी 2.99% निगेटिव में। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर निक्की जापान ये थोड़ा सा पॉजिटिव में 0.18%। उसके बाद चाइना का भी मार्केट देख सकते हैं निगेटिव में है। तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल इंडेक्स है सबका सब निगेटिव में है, और जो आज हमारा अमेरिकन मार्केट है वो भी निगेटिव में चल रहा है, तो कल जो हमारा मार्केट ओपन होगा वो भी निगेटिव में ओपन होगा। तो दोस्तों जो चार्ट होता है उस पर हर चीज़ दिखता है, जो हमारा चार्ट होता है जैसे हम मार्केट ओपन होता है निगेटिव में, आज हमारा निफ्टी बैंक ओपन हुआ था, तो जो चार्ट होता है उस पर हर चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, हर चीज़ दिखता है कि हमारा मार्केट जो है ग्लोबल इंडेक्स कैसा चला रात में, मतलब हमारा जो अमेरिकन मार्केट है, और जैसे मार्केट ओपन होता है आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि निगेटिव में ओपन होता है, मतलब हमारा ग्लोबल मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में रहा होगा। तो चार्ट पे हर चीज दिखता है। तो आइए अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए, मार्केट जब गिरावट आता है तो किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट सारा का सारा आपने देख लिया निगेटिव में है। डाउ जोन्स फ्यूचर देखिएगा, डाउ जोन्स फ्यूचर भी निगेटिव में चल रहा है, देखते हैं डाउ जोन्स, आइए 15 मिनट कैंडल है, 15 मिनट कैंडल पर देख काफी ज्यादा गिरावट है डॉ फीचर्स में, तो डॉ फीचर भी काफी ज्यादा गिरावट में है, तो डॉ फीचर में भी गिरावट है। जिस तरह से डॉ फीचर में आपको गिरावट दिख रहा है उसी तरह से डॉ जोन्स में भी गिरावट होता है जिस तरह से डॉ फीचर में गिरावट होता है। तो आज वन डे के चार्ट पे यहां देखेगा तो देख सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा यहां पर गिरावट है, ये 27,000 के लेवल पे था और यहां पर 26,730 पे चल रहा है अभी, यहाँ पर देखते हैं डॉ फ्यूचर, तो डॉ फ्यूचर में भी काफ़ी गिरावट है। तो जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए वो है आईटी सेक्टर। जैसे कल मार्केट में गिरावट होगा तो निश्चित है आईटी सेक्टर में भी गिरावट होगा, अगर गिरावट कंटिन्यू रहता है तो आपको सबसे पहले जो इन्वेस्ट करना है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में देखते हैं आज कोई भी गिरावट नहीं है, यहाँ पर देखते हैं आईटी सेक्टर 0% गिरावट पर बंद हुआ है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में आपको निश्चित इन्वेस्ट करनी चाहिए। और जो हमारा दूसरा है फार्मा सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा इसमें तेजी थी और आज 4% गिरावट है तो अच्छी बात है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो जैसे गिरावट आता है फार्मा सेक्टर में, काफ़ी ज़्यादा गिरावट होता है, तो आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो जो भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है उसका पोर्टफोलियो तैयार रखिए, मतलब आप लिख लीजिए, राइट कर लीजिए कि फार्मा सेक्टर कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है और आईटी सेक्टर के कौन से स्टॉक में। तो जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है और गिरावट में फटाफट इन्वेस्ट करना है, जो आईटी सेक्टर हो गया और जो फार्मा सेक्टर हो गया। और तीसरा जो सेक्टर आप अगर पसंद करते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, उसके बाद आपको जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इस तीन शेयर में हम कहेंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेस्ले में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेस्ले थोड़ा सा मतलब महंगा शेयर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एचयूएल में, ब्रिटानिया में और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में, तीनों बेहतरीन शेयर है। तो आपको तीन सेक्टर में मुख्य रूप से इन्वेस्ट करना है, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। यहाँ देख सकते हैं सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटो में आपको 4%, मेटल में 5% और फाइनेंस सर्विस में 2% और एफएमसीजी में 3%, आईटी सेक्टर में कोई गिरावट नहीं है। उसी तरह से अगर रियलिटी सेक्टर में देखें, रियलिटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा गिरा है, तो यहाँ पर तो रियलिटी का इंडेक्स मैंने नहीं लगाया है, रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो
दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला आप आईटी सेक्टर को चूज करेंगे, उसमें जो भी बेहतरीन स्टॉक है जैसे इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, तो आपको चूज कर लेना है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। फार्मा में जैसे सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, उसी तरह से फाइजर लिमिटेड हो गया, तो जो भी स्टॉक अच्छा लगता है। तो आपको हमने तीनों सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स बता दिए, आप उसमें चूज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर गिरावट पे जैसे गिरावट आता है तो आपको इन्वेस्ट करना है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। कल जैसे गिरावट आया तो कल थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर पैनिक होता है सिचुएशन और ज़्यादा गिरावट आ सकती है तो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है गिरावट आने पर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।